अब खस्ता हालत सड़क के चलते अब ग्रामीण जो है आंदोलित है, आंदोलित भर नहीं आई। हालात यह कि बीते 30 साल से एक खस्ता हाल सड़क के बनवावे खातिर पूरा गांव के गांव जो है परेशान है। हालात यह कि बड़े मिन्नतन के बाद प्रशासनिक स्वीकृत मिली, पैसा आएगा, किंतु अभी तक ओमा एक सड़क बनवाई के नाम पर एक गोटी तक नहीं रखी गए, जो से ग्रामीण आंदोलित होकर सीधी के कलेक्ट्रेट भवन के घेराव करीन और साथ में यह कहीन कि वोट नहीं मतलब रोड नहीं तब वोट नहीं, और साथ में उनके द्वारा एक बेहद बड़े आंदोलन के चेतावनी दी गई विधि क्षेत्र के। यह पहल बघेली न्यूज चैनल मां करी तिवारी अपना पंजीयन का समय जाने इनका प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर की, जो ने मैं प्रोजेक्ट बताया थी सीधी जिला के मझौली जनपद अंतर्गत गिजवार अंचल के गिजवार से खाम घाटी टिकरी एवं दादर पहुंच मार्ग विगत 30 सालन से जर्जर स्थिति में है, जौने मा क्षेत्रवासी उनका आवागमन में भारी दिक्कतन के सामना करक पड़ रहा है। साथ मां समुचे क्षेत्र के विकास अवरुद्ध हो चुका है, जेके निर्माण कले के क्षेत्र मां सक्रिय समाजसेवी संगठन युवा एकता मंच के द्वारा बीते 3 वर्षन से प्रयास के जाल लग है। संगठन द्वारा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि शासन प्रशासन के समक्ष उक्त सड़क के निर्माण की मांग की गए, किंतु जिम्मेदार द्वारा जो है सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं। सड़कें के हालात जो है बद से बदतर हो गई और हालात ऐसा हो गए है कि बारिश के दिनों में सड़क तालाब में तब्दील हो जाती, आए दिन छोट बड़ी जो है दुर्घटना आम बात हो गई। प्रसव बीमारी आज गंभीर बीमारी से मरीजन का अस्पताल पहुंचावे में देरी होने के कारण अनहोनी के शंका जो है बनी रहती। यह बात जो है कई एक बे लोग जो है अस्पताल पहुंचे से पहले दम तोड़ देते। उक्त समस्या का देखकर किन युवा एकता मंच के द्वारा सैकड़ों ग्रामीणों के साथ मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर सीधी का ज्ञापन सौंप के सड़क के निर्माण के मांग की गए। संगठन के द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में उल्लेख किया है कि यदि 30 दिवस के अंदर उक्त सड़क के निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया तो समाज सेवी द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय पर अनिश्चितकालीन घेराव प्रदर्शन की गई और साथ में क्षेत्र में आगामी कौनों में के चुनाव यदि होते तो बहिष्कार किए। तो निश्चित तौर पर आखिर यह सिस्टम के खीती रहा है, सरकार हो प्रशासन हो के खीती रहा ही, काहे कि यदि गांव वाले 20-30 साल से उन हलाकान है परेशान है तो आखिर समस्या कहाँ ही और वह समस्या के समाधान को आए का वोटा ही नहीं खीती भर गाँव के लोग दिखाते का वोट के अलावा ग्रामीणन के समस्या कुछ न हो ऐसे सरकारन कहे और ध्यान दे चाहिए और गरीबन का ग्रामीणन का एक बेहतर सुविधा रोड के उपलब्ध करावा जाए चाहिए। अपने बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।